सो गाइज वेलकम बैक टू न्यू वीडियो, दिस इज आयुष एंड आज अपने साथ में है ऑल न्यू BMW की X1। अब X1 रात में चलाने में लाइक इसकी हेडलैम्प्स वगैरह कैसी है, ओवरऑल गाड़ी के अंदर वाइब कैसी है, लाइक कैसा इसका इंटीरियर वगैरह फील होता है। पीछे अगर आप देखोगे तो ये आप लोगों को 3D लाइट्स मिलती है, कार काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगती है देखने में और टर्न इंडिकेटर्स भी काफ़ी बढ़िया तरीके से काम करते हैं इसके। लाइक यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये LED हेडलैम्प्स हैं प्रोजेक्टर सेटअप के साथ में और टर्न इंडिकेटर का भी यही काम करते हैं। इधर नीचे कोई फॉग लैंप वगैरह नहीं है, यही है और ये ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स हैं। इसमें आप लोगों को कई सारे फीचर्स मिल जाते हैं जैसे कि हेडलाइट रेंज कंट्रोल है, हाई बीम असिस्ट फंक्शन मिल जाता है आपको और बाकी जो नॉर्मल फीचर्स आते हैं वेलकम फीचर वगैरह वो सब चीज़ें दी हुई है। तो इंटीरियर जो है आप लोग देखो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत इंटीरियर जो है इस गाड़ी का है, मज़ा आ जाता है इसको देख के, लाइक लिटरली वाव फैक्टर है इंटीरियर में। जो नया वाला ये पूरा लेआउट है गाड़ी का काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ पे हरमन कार्डन के 12 स्पीकर्स हैं और जो हरमन कार्डन लिखा हुआ है तो ये भी लीटअप हो रहा है, काफ़ी कमाल का लग रहा है, काफ़ी प्यारा लग रहा है। मैं ये लाइट बंद करता हूँ। यहाँ पर जब फ़ोन रखा हुआ है तो यहाँ पर आप नीचे की साइड में भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी लाइट जो है वो लग रही है और ये लाइट भी चेंज होती है लाइक ये आप मोड अपने चेंज करेंगे, जैसे सपोज मैंने स्पोर्ट्स मोड कर देता है, ठीक है, तो ये देखो नीचे लाइट चेंज हो गई पूरा ये, और यहाँ पर नीचे कुछ सामान रखा है उधर भी लाइट जो है वो आप लोगों के लिए रहती है, तो ऐसे काफ़ी अच्छा माहौल जो है वो गाड़ी के अंदर रहता है। अगेन अभी मोड जो है वो मैं कर देता हूँ एफिशिएंसी हटाते हैं, मैं कर देता हूँ एक्सप्रेसिव, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखो ये काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, मतलब लगता है कि यार लिटरली गाड़ी के अंदर जो है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से मतलब सारी चीज़ों को जो है वो एम्बियंस को बनाया गया है। अब चलते हैं फटाफट से और चला के देखते हैं कि चलाने में जो ऑल न्यू X1 है इसकी हेडलैम्प वगैरह जो है वो रात में कैसी काम करती है और क्या कुछ वाइब है गाड़ी के अंदर। चलिए ओके अभी गो। हमेशा जब भी आप इसको एक्सेलरेशन करोगे ना, एक्सेलरेट करोगे तो एक स्माइल आएगी चेहरे पे। ऑन पेपर्स इसके अंदर जो ये इंजन है वो ऐसा लगता है कि अरे यार पावर काफ़ी कम है, अराउंड 150 हॉर्स पावर और 360 Nm के आसपास का टॉर्क है, बट ये कार काफ़ी ज़्यादा टॉर्की फील होती है, चलाने में मज़ा आता है। बट हाँ अब ये एक्स ड्राइव के साथ में नहीं आती है, यहाँ पर एस ड्राइव यानी कि फ्रंट व्हील ड्राइव कॉम्बिनेशन के साथ में ही गाड़ी जो है वो आपको मिलती है, चाहे पेट्रोल लें या डीजल लें। मेरे पास में टॉप एंड मॉडल है डीजल का एम परफॉर्मेंस और ओवरऑल गाड़ी चलाने में काफ़ी बढ़िया मज़ेदार फील होती है। कहाँ कहाँ पर कैसा रिस्पॉन्स है वो सब चीज़ें आप डेप्थ में रिव्यू में देख लेना। अभी मैं फ़िलहाल इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूँ इसकी हेडलैम्प्स के बारे में। तो ये BMW की काफ़ी बढ़िया लाइट्स है, दिखने में काफ़ी अच्छी लगती है, दूर से जब आप इसको देखते हैं तो वो काफ़ी अच्छी लगती है। ओवरऑल यहाँ पर जो इसके थ्रोज़ हैं वो भी काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, लाइक 100 की स्पीड के आसपास अगर आप क्रूज़ कर रहे हो, जैसे यहाँ पर बिल्कुल भी रोड लैम्प नहीं है तो भी कोई परेशानी हजन से मुझे नहीं होती है। यहाँ पर अगर मैं आपको इसका हाई बीम असिस्ट फंक्शन हो गया, ऑटोमेटिक हेडलैम्प वाला जो फंक्शन है उसको ऑन करके रखूँ हमेशा। अभी आप देखो आगे गाड़ी है, ये इसकी हेडलैम्प कम ज़्यादा खुद से करती रहेगी, ठीक है, मेरे को कुछ नहीं करना पड़ेगा। अगर डीपर देना है तो बात अलग है, अदरवाइज़ ये जो है वो काफ़ी अच्छी तरीके से इसकी रेंज वगैरह जो है वो मैनेज कर दी है और पूरा कॉन्फिडेंस रहता है। लाइक कॉर्नर पे आप कॉर्नरिंग वगैरह कर रहे हो सिटी में तो कोई प्रॉब्लम आती नहीं है खैर, बट जो हाईवे पे मेन आप लाइक रात में अगर चल रहे हो तो थोड़ा सा आपको लगता है कि अभी जैसे वो डीपर देना ज़रूरी हो गया क्योंकि उस तरफ से लाइट आ रही है और वो बहुत ज़्यादा तेज है, तो कोई ऑप्शन नहीं है, डीपर दो, वापस से आपने एक मिनट नीचे प्रेस करना है और फिर आप वापस से जो है वो हाई बीम असिस्ट आपका इसका ऑन हो जाएगा और आपकी गाड़ी जो है वो हेडलैम्प जो है आपकी लाइक गाड़ी की आपकी जो गाड़ी की हेडलैम्प है वो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें मैनेज कर लेगी। अभी आप लोगों को दिखा होगा कि सामने से गाड़ी आ रही है तो उसने हेडलैम्प की लाइट्स को नीचे कर दिया, ठीक है, आसपास में काफ़ी अच्छा फैला रखा है, बट अगर आगे से गाड़ी आ रही है तो नीचे कर लिया। अब जैसे ही वो गाड़ी अगर छुपेगी तो ये ऑटोमेटिकली हेडलैम्प को आगे कर लेगा, लाइक जितना ना कोशिश करता है कि रेंज दे सकूँ मैं देने की कोशिश करता हूँ। अभी जैसे ये बहुत ज़्यादा पास में लेके आ गया, मतलब पर्टिकुलर एरिया जो है वो बहुत ही कम ज़्यादा ऐसे होते रहता है, तो वो चीज़ मेरे को काफ़ी बढ़िया लगती है इसकी, लाइक लिटरली मज़ा आता है। मैं ऐप लगा लेता हूँ, एक्चुअली मैं अभी जा रहा हूँ जयपुर से गुड़गांव की तरफ और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे जो है वो मैं पकड़ने वाला हूँ बहुत जल्दी, तो ये अभी पता नहीं कोई सा दूसरे रास्ते से लेके जा रहा था मेरे को, जो हमेशा आता हूँ उस रास्ते से नहीं लेके जा रहा हूँ। और ये एक और चीज़ है, स्पीड बजर जो है वो बजना चालू हो जाता है लाइक बहुत ही जल्दी,
जल्दी, मतलब क्या है कि यार 120 की स्पीड लिटरली इस गाड़ी के लिए बहुत ही मतलब एक नॉर्मल है, बहुत ही इजीली बहुत ही स्मूथली चलती है, पता ही नहीं चलता है कि 120 पे चल रही है। वो बजर बजेगा तो पता चलेगा कि हाँ 120 क्रॉस हो गए। अब ये ट्रक को मेरे को डीपर देना ज़रूरी है तो वो मैं मैनुअल कंट्रोल हाथ में ले लेता हूँ, वापस से मैं नीचे एक बार इसको प्रेस करता हूँ और ये ऑटो मोड पर चले जाता है। वाओ, और ये एम्बिएंट लाइट वगैरह क्या कमाल की, इतनी सारी एम्बिएंट लाइटिंग है इसके अंदर, वो बहुत प्यारी लगती है, बहुत प्यारी। स्टीयरिंग व्हील पे जो कंट्रोल्स हैं, यहाँ पर लाइट्स दी हुई हैं, इल्यूमिनेशन है आप लोगों को राइट साइड में, जो भी पावर विंडोज़ के मिरर्स के एडजस्टमेंट के कंट्रोल्स हैं वहाँ पर आपके पास में इल्यूमिनेशन है, और इल्यूमिनेशन भी ऐसा नहीं है कि आंखों को छुपे, मतलब सिर्फ ऐसा लगता है कि हाँ लाइन खींची हुई है, मतलब कुछ ना कुछ या तो डायग्राम बना हुआ है और वो बस आपको दिख रहा है, मतलब आप सोच ही नहीं सकते हो कि क्या ये लाइट्स है या सिर्फ वाइट कलर की मार्किंग है, तो दैट्स व्हाई मुझे शो हो रहा है। ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगी इसकी, और पहले से नो डाउट बढ़िया हुई है गाड़ी साइज़ में, लेंथ में, और काफ़ी प्रीमियम भी जो है वो फील होती है। आचार संहिता की वजह से सारी चेकिंग चल रही है। कई बार पुलिस वाले रुकवाते हैं, कई बार नहीं रुकवाते हैं, डिपेंड्स। क्या मस्त लग रहा है यार, मतलब डीजल इंजन फील ही नहीं होता है ये हाईवे पे तो। अगर आप बहुत ज़्यादा हार्ड एक्सेलरेटर लाइक प्रेस कर रहे हो एक्सेलरेशन को, आपको चाहिए कि बहुत ज़्यादा फास्ट एक्सेलरेशन हो, आपका एक्सेलरेटर पे से पैर बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, तो डेफिनेटली आपको डीजल का पता चल जाएगा कि यार ये डीजल इंजन में चला रहा हूँ। बट नो डाउट डीजल इंजन की भी अगर बात करें तो ये बहुत ही प्यारा है। माइलेज के मामले में 20.3 कंपनी क्लेम करती है और 18 के आसपास का माइलेज मुझे मिला है थ्रू आउट द जर्नी। मेरी 1800-1900 किलोमीटर की जर्नी हो गई है, अभी मैं 100-200 कितना 220 किलोमीटर और जाना है, लगभग 2100 किलोमीटर जो है वो इस गाड़ी को मैं चला लूँगा लास्ट 6 डेज़ के अंदर अंदर। तो मैंने इसको काफ़ी चलाया है, MP, हरियाणा, लाइक इंदौर तक गया था मैं, इधर दिल्ली, राजस्थान से अभी जस्ट जयपुर से निकला हूँ, मैंने खूब मज़ा करा इसके साथ में, खूब एंजॉय करा है। डिटेल में जो रिव्यू है वो तो आप देख लेना, आई बटन पे आपको मिल जाएगा, नहीं तो फिर लिंक मिल जाएगी, अदरवाइज यूट्यूब पर डायरेक्ट सर्च करो आयुष सिस्टम X1 2023। ये देखो अब बिल्कुल एकदम इंटेंसिटी इसने बढ़ा दी है, ठीक है, ये देखो कम कर लिया, उसको पता चल गया व्हीकल आ गया। ये सब जो एडवांसनेस है ना यार, कमाल की है, नेक्स्ट लेवल, मज़ा आता है इस गाड़ी के साथ में। ये मतलब बोल सकते हैं कि काइंड ऑफ क्रॉसओवर है, क्योंकि लिए अब 4x4 मतलब ऐसा कुछ आता नहीं, एक्स्ट्रा नहीं आता है उसमें, तो वो वाली बात नहीं। बट स्टिल फ्रंट व्हील ड्राइव के साथ में भी काफ़ी बढ़िया स्टीयरिंग के कंट्रोल्स जो है वहाँ को मिलता है, लाइक फीडबैक बहुत प्यारा मिलता है स्टीयरिंग से, तो मज़ा आता है। रियर व्हील ड्राइव, ऑल व्हील ड्राइव की बात अलग होती है, बट स्टिल फ्रंट व्हील ड्राइव के साथ में भी कैलिब्रेशन बहुत ही बढ़िया कंपनी ने जो है वो करके दिया है। BMW इज नॉन फॉर ड्राइविंग प्लेजर। केबिन इंसुलेशन काफ़ी अच्छा है, लाइक ऐसा फील नहीं होगा आपको कि यार ये क्या है, बाहर की आवाज़ इतनी क्यों आ रही है, मतलब एकदम साइलेंट रहता है केबिन, अच्छा लगता है, मतलब जितनी आनी चाहिए ना कि हाँ यार यहाँ पे आगे बस चल रही है। उसकी आवाज़ आ रही है ठीक है, पास में बस चल रही है उसकी नहीं आ रही है, अलग लेवल का कंट्रोल जो है वो इधर कर रखा है, पता नहीं क्या सिस्टम, जो भी है जैसा भी है इंसुलेशन अच्छा है, ओवरऑल डैम्पिंग वगैरह जो है वो बढ़िया करी हुई है, क्या प्यारी थर्ड है इन गेट्स की, मतलब लाइक वो जो आवाज़ कर रहे हैं ना बट करके, उसमें ऐसा सीन हो जाता है कि घर वाले लाइक दो बार तो मेरे को सॉरी बोल गए कि यार लिटरली ये सॉरी मैंने तेज बंद कर दिया, इसको तेज नहीं है ऐसी बंद होता है नॉर्मली भी, या इतनी आवाज़ करेगा ही करेगा। गेट्स जो हैं वो बड़े प्यारे हैं इसके, फिर ब्रेक्स जो हैं वो भी अगेन अच्छे हैं, और 7 स्पीड का जो गियरबॉक्स है ना ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन, इसमें सीन पता ही है यार, अगर आप बहुत ज़्यादा स्लो चला रहे हो तब भी मतलब एक वो पता चल जाता है गियर शिफ्ट अप शिफ्ट हो रहा है डाउन शिफ्ट हो रहा है, और एक बार आप मोमेंटम गेन कर लो फिर तो वो गाड़ी आपको पता लगने ही नहीं देगी। बट जो एक हल्का सा कौन से इग्निशन इसको और ज़्यादा बेटर तरीके से ट्यून किया जा सकता था, तो बस वो चीज़ मेरे को शेयर करनी थी, मैंने कर दी आप लोगों से। वन पॉइंट नाइन किलोमीटर काई के लिए बता रहे हैं, 1.9 किलोमीटर
यार रात के 3:30 बज रहे हैं, अब तो नींद आ रही है यार। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस से कहीं तो जगह ढूंढ के और सोऊंगा। अच्छी लगी मेरे को लाइट, कोई परेशानी नहीं है दिन से। लाइक चल रहा हूँ तुम्हारे सामने 100-120 के आसपास काम हो रहा है, बट ये अभी जैसे ये उड़ते तिराते हैं, क्या ही करो यार। सो गाइज आपको कैसी लगी BMW X1, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ।